लोग हमें स्टार्टिंग में प्यार करते हैं लेकिन बाद में नहीं करते, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जैसे जैसे लोग हमें जानते जाते हैं ना, तो हम उनके साथ जिस तरह से व्यवहार करते हैं, तो हम अपने व्यवहार से उन्हें यही बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई मैं प्यार करने के लायक नहीं हूँ, तुम जो मेरे ऊपर ये कृपा के आशीर्वाद दे रहे हो, मुझे इतना प्यार कर रहे हो, मुझे इतनी अच्छी तरह से ट्रीट कर, मैं उस चीज़ के लायक नहीं हूँ। वो इंसान तो दे रहा है ना, सामने से दे रहा है, तुम्हें जानता भी नहीं है, स्टार्टिंग है, वो चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा है, पूरे दिन तुमसे बात कर रहा है, तो इतनी कृपा कर रहा है तुम्हारे साथ। लेकिन उसके बाद तुम देखोगे कि बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है ना कि कुछ टाइम के बाद वो पार्टनर उनसे ऊब जाता है, थक जाता है, क्योंकि हम अपने रिएक्शन से, हम उनको जो जिस तरह से ट्रीट करते उसमें इतना उनको इरिटेट करते कि मान लो कि आप उनको कसम दे रहे कि तुझे तेरी माँ की कसम है, तेरे बाप की कसम है, मुझे इतना प्यार मत कर, मैं इस चीज़ के लायक नहीं हूँ। तो कौन सी कसमें है आपके, कौन सी ऐसे हरकत है जो उनको उतनी बुरी लगती है? और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद दुनिया का कितना भी अच्छा इंसान होगा ना, वो आपको प्यार नहीं कर पाएगा। ये गलती प्योरली आपके साइड से हो रही है, गलती को जान लो और हे आप में ये गलती, तो इनको सही कर लो। गलती नंबर 1 वो है, मुझे तुमसे चाहिए क्या, प्यार चाहिए, तुम्हारा टाइम चाहिए, तुम्हारी केयरिंग चाहिए, तुमसे ये रिलेशनशिप में मांगना, ठीक है। मांगने से क्या होता है कि मांगने वाला हमेशा छोटा हो जाता है, जो देने वाला था उसका कद बढ़ जाता है, ठीक है। रिलेशनशिप में आपको कभी भी कुछ भी मांगना नहीं चाहिए कि तुम ये नहीं दे रहे हो, टाइम नहीं दे रहे हो, प्रेम नहीं करते, केयर नहीं करते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तुम्हें जो भी उनसे चाहिए ना, रिलेशनशिप में ऐसे रहो कि उन चीज़ों की प्यास उसमें बनाओ, मांगो मत, मुंह अपना कभी भी मत खोलो कि मुझे ये चाहिए। जैसे तुमने मांगा तुम कमज़ोर होगी, मांगने वाला कभी बड़ा उनके सामने बन ही नहीं सकते, ठीक है। हाँ, उपकार करो, ठीक है, ऐसे कभी उनको तड़पाओ उन चीज़ों के लिए, बात करने के लिए, और फिर प्यार से कहो, यहाँ तुम बहुत कह रहे हो इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, हाँ तुम्हें बहुत है तो मैं मिलने आ रहा हूँ, तो क्या रहा है कि तुम उपकार करो, तुम देने वाले बन जाते हो, उसे मांगने वाला बनाओ, ठीक है। आप भले ही चाहते हो कि आप मिलने आ रहे हो, जैसे मत करो नहीं, हाँ जल्दी आओ, मुझे भी मिलना है, मुझे भी मिलना है, मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ, ऐसे मत करो, ठीक है। देने वाले बनो, मांगने वाला छोटा बन जाता है। दूसरी गलती रिलेशनशिप में, अपने पार्टनर को ये बोलना कि नहीं मैं जिंदा ही नहीं रह सकता या रह सकती, मुझे तेरे साथ ही शादी करनी है। मैं इमेजिन ही नहीं कर पा रहा हूँ कि यार अगर शादी तेरे साथ नहीं हुई तो मैं कैसे जिंदा रहूँ, बहुत बड़ी गलती। तुमने उनको बता दिया, पूरी लाइफ की गारंटी दे दी, शादी करनी है तेरे साथ, इसका मतलब ये हो रहा है कि पूरी लाइफ तुमने बता दी कि अब तुझे ना मेरे बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं तेरे से शादी करूँगी, तुझे कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, तू टाइम दे ना दे, दूसरे लोगों के साथ रिलेशन बना, मुझे चीट कर, जैसे ट्रीट करना है कर, मैं तो तेरे से शादी करना है, ये लेकर आपने एक सर्टिफिकेट दे। कभी भी अपने पार्टनर को ऐसी गारंटी मत दो कि मैं तेरे साथ ही सेट होने वाला हूँ। जैसे ही तुमने गारंटी दे दी, वो बिंदास हो जाएगी, वो लापरवाह हो जाएगी। कभी शादी की बात अपने से करो ही मत, छेड़ो ही मत कि मुझे तुझसे ही शादी करो, उनके अंदर से ये प्यास जगाओ, वो उसमें भी थोड़ा ज़्यादा मान खाओ कि हाँ ये होगा वो होगा, शादी करेंगे देखेंगे, ऐसे बनाओ चीज़ों को। बहुत बड़ी गलती होती तुम सामने से सर्टिफिकेट दे देते हो कि मैं तो तेरे साथ ही पूरी लाइफ रहने वाला हूँ, तो उनके मन में कोई डर ही नहीं होगा ना तुमसे जुदा होने का, तुमसे अलग होने का, तो फिर वो कैसे प्यार करेगा। तीसरी गलती और वो है अपने पार्टनर के सामने रोना। समटाइम क्या होता है कि बहुत हम इमोशनल होते, वो टाइम नहीं देता या उनकी बहुत याद आती तो हम उनके लिए रोते रहे, ठीक है, कि तू मेरी लाइफ में नहीं इसलिए मैं अपनी लाइफ को जी नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, मुझे जीने के लिए, सांस लेने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए तेरी ज़रूरत है और इसलिए हम रो रहे होते। ये बहुत गजब की बात होती है कि जब आप रोते हो ना, तो उनके नज़र में क्या आप एक ऐसे गुलाम बन जाते हो जिनको पता चल गया कि मेरे बिना तो जिंदा नहीं रह सकता, इसकी खुशी को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, जब चाहे तब उसे हंसा सकता हूँ, जब चाहे तब उसे रुला सकता हूँ, तो जिसके साथ वो ऐसा कर सकता है तो वो तो लिटरली उसका पार्टनर नहीं हो सकता, उसका गुलाम हो सकता है। इसको समझना चाहिए आपको कि कभी भी रोना नहीं चाहिए, अपने आंसू के सामने बहाने नहीं चाहिए, तुम दिखा रहे हो, सीना फाड़ के दिखा रहे हो, ठीक है, कि तेरे सिवा इस दिल में किसी का नाम नहीं है और ये दिल तो तेरे बिना जिंदा भी नहीं रह सकता। अब आपके बारे में कोई इतना जान जाएगा कि इस हद तक आप उसके गुलाम बने हुए हो, तो वो आपको गुलामों वाली ट्रीटमेंट ही देगा, उसी तरह से वो आपको ट्रीट करेगा, एक पार्टनर की तरह कभी प्यार नहीं करेगा, कर भी नहीं सकता वो,
कितना भी अच्छा इंसान होगा कर भी नहीं सकता। बस ये तीन गलती कर दी तो फिर कभी नहीं होगा। तो कभी भी रिलेशनशिप में ये तीन गलती मत करना। अभी कर रहे हो तो इन चीज़ों को सुधार लेना। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करें। हम मेरे साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है। थैंक यू सो मच।